वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कहा, 70 की दहाई में जो पॉलिसियां आई उनसे मुल्क को नुकसान हुआ। पाकिस्तान को ऐसी रियासत बनाना चाहते हैं जहां कमजोर तबके को ऊपर लाया जाए। खुसूसी इक्तिसादी जोन तरक्की की जानिब पहला कदम है और ये अमल जारी रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म की पंजाब की गवर्नेंस की कारकर्दगी और सादगी की तारीफें। पाकिस्तान ने सियाहत और तालीम को फरोग देना लाजम करार दिया। कहा, सरमायाकारी के बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। सरमायाकार बुरा हो सकता है लेकिन सरमायाकारी नहीं। असेंबली अराकीन के हवाले से बोले, मैं जानता हूं कि इसको कितनी अंग्रेजी आती है। अगर हमने उस मुल्क में गुर्बत कम करनी है तो ये इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान इंडस्ट्रियलाइज। कोई और रास्ता नहीं है इंडस्ट्रियलाइजेशन। हम तेजी से बढ़ रहे थे आगे और बदकिस्मती से 70s में हमारी वो पॉलिसीज आई जिन्होंने पाकिस्तान को गलत रास्ते पे लगा, सरमायाकारों को बुरा कहना शुरू कर दिया। अगर सरमायाकार गलत हरकत करता है या प्रॉफिटेरिंग करता है तो इसमें सरमायाकारी की तो कोई गलती नहीं है। मुल्क तो नहीं आगे बढ़ सकता अगर आप सरमायाकारी नहीं करेंगे। कैसे आप लोगों को रोजगार देंगे? मेरी विजन ये है कि पाकिस्तान एक वो रियासत बने जो प्रायोरिटी सबसे पहले कमजोर तबके को प्रोटेक्शन देता है एक माशरा। ये टूरिज्म एक ऐसा एरिया है जिसमें पाकिस्तान बहुत पैसा बना सकता है। तालीम और उसके ऊपर खास तौर पर टेक्निकल एजुकेशन, हमारे पास यंग पॉपुलेशन है, नौजवान आबादी है, लेकिन उसके उसको जब तक हम टेक्निकल एजुकेशन से हुनर नहीं सिखाएंगे तो वो प्रोडक्टिव नहीं होगा। उसके अंदर वैल्यू एड करना, ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो शुरू हमारे दौर में ये पहली जो शुरू हुई, इसका मकसद है। और मैं मकसद बताऊंगा कि वो हमारी जो विजन है पाकिस्तान की, ये उस विजन के अंदर एक बहुत बड़ा एक कदम है। तो मैं आज ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है इसमें पंजाब गवर्नमेंट को मुबारक देता हूँ जो उन्होंने कोशिश की। मैं सारे एनर्जी डिपार्टमेंट, हमारी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, पंजाब गवर्नमेंट सब ने मिलकर इस पर पूरा जोर लगाया कि जल्दी से जल्दी हम इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन को खोलें। अब नेशनल असेंबली में मुझे पता है कि कितने अंग्रेजी समझते हैं कितने नहीं, लेकिन अंग्रेजी में तकरीर हो रही है और जो अंग्रेजी नहीं समझते वो भी प्रटेंड कर रहे हैं कि उनको अंग्रेजी समझ आ रही है, क्योंकि वो जो जिसको अंग्रेजी नहीं आती वो समझते हैं पढ़ा लिखा नहीं।